आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो पराली जलाने वाले किसानों से अनाज ना खरीदा जाए ताकि किसान पराली नहीं जला सके। दिल्ली NCR प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। सर्दियों के महीने की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही दिल्ली की आबोहवा भी जहरीली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलाई जा रही पराली यानी फार्म फायर का क्या हुआ। इसके जवाब में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने कदम उठाए हैं, हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर समयबद्ध काम करें ताकि अगले मौसम में यह स्थिति ना बने। इस पर अदालत ने कहा कि अगले मौसम का इंतजार नहीं होगा, हम मामले की निगरानी करेंगे। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्ती क्यों नहीं कर रही। आप उन किसानों से अनाज ना खरीदे जो पराली जलाते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें लाभ क्यों मिले? क्या किसानों पर लगा जुर्माना वसूला गया? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि आपने 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की बात कही थी, जुर्माना सिर्फ लगाया ही गया या फिर वसूला भी? हमें अगली सुनवाई में वसूली के बारे में बताइए। हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपने जो FIR दर्ज की है वो खेत के मालिक पर है या अज्ञात लोगों पर। पीठ ने कहा कि चूंकि MSP न देने से समाधान नहीं होगा, तो क्या पराली जलाने वालों को धान की खेती से रोका जा सकता है? जब धान लगा ही नहीं पाएंगे तो पराली जलाना भी बंद कर देंगे।